हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है कुली नंबर वन। मूवी की ओवरऑल लेंथ सिर्फ 2 घंटे 14 मिनट की है और अब मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ये मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं। मुझे पता है कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो लोग इस मूवी को नहीं देखने वाले, लेकिन जो लोग देखने वाले वो लोग इस वीडियो के बाद समझ जाएंगे कि ये मूवी उनको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। मूवी का प्लॉट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s की मूवीज़ देखकर बड़े हुए हो और स्पेशली गोविंदा की मूवी कुली नंबर वन देखते आए हो या अभी भी देखते हो, उसके कुछ फ़नी सीन्स या उसके सॉन्ग सुनते हो, तो आपको वरुण धवन की ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इनफैक्ट फर्स्ट सीन से लेके एंड तक 99% आपको एग्जैक्ट कॉपी देखने को मिलेगी इस मूवी में, सिवाय 1% के। वो 1% में कुछ ऐसे सीन, एकदम कुछ मामूली से सीन से जो अलग करने की कोशिश की है, और साथ साथ कुछ गाने हमें अलग देखने को मिलते हैं। अब अलग बोले तो समझ लो आप लोग कान यहाँ से पकड़ते, तो इस मूवी में वो कान यहाँ से पकड़ा है। बाकी सारी की सारी चीज़ें एकदम सिमिलर है। इवन जो डायलॉग्स है, डायलॉग्स भी 99% सेम डायलॉग है, और कुछ नए डायलॉग डालने की कोशिश की है जिसमें आपको रेयरली हंसी आती है। मूवी की कहानी शुरू होती है पंडित जय किशन से, जो कि जाता है जयफ्री रोसारो के घर पे उनकी बेटी सारा का हाथ मांगने के लिए। लेकिन जयफ्री को एक ऐसा दामाद चाहिए जो जी भी खरीदने जाए तो चार्टर्ड प्लेन में जाए, और अगर किसी देश को कर्जा चाहिए तो वो उसके दामाद से ले। तो इसीलिए पंडित के राय रिश्ते को जयफ्री ठुकरा देता है और पंडित को वहां से इज्जत करके भेज देता है। तो इसके बाद पंडित डिसाइड करता है किसी भी तरह से वो जयफ्री रोजारियो से बदला लेगा। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे राजू कूली की एंट्री होती है, यानी कि ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी कूली नंबर वन। खैर, जो आजकल की ऑडियंस है, जिन लोगों ने गोविंदा की कूली नंबर वन मूवी नहीं देखी है, तो शायद उनको इस मूवी का सेकेंड हाफ अच्छा लगे। अलावा इस मूवी के एक सीन की बात करता हूँ जहाँ पे वरुण धवन एक बच्चे को बचाने के लिए चलती हुई ट्रेन के ऊपर भागते हैं, वो सीन देखकर तो आपको इतनी ज़्यादा हंसी आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि अगर फ्लैश और क्विक सिल्वर रियल में होते तो वो लोग सदमे से मर जाते वो पर्टिकुलर सीन देखकर, और अगर आयरन मैन वाकई में ज़िंदा होता तो वो दुआ करता कि यार मैं ज़िंदा क्यों, मैं ये सीन देखने से पहले मर क्यों नहीं जाता। वो सीन इतना ज़्यादा फेक लग रहा था कि आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और आप लोग इतनी सारी मूवीज़ देखते होंगे लेकिन वो पर्टिकुलर सीन दिमाग में बैठ जाएगा और मतलब वो 2-4 दिन तक वो बाहर ही नहीं निकलेगा। उसके अलावा इस मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन है जहाँ पर मतलब आप खुद को कोसोगे और खुद को चप्पल जूते से मारोगे कि आप इस मूवी को देख ही क्यों रहे हो। मैंने तो सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना था। खैर, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यार लोकेशंस बहुत ही अच्छा है, काफ़ी कलरफुल चीज़ें हमको देखने को मिली, और BGM मुझे ओके ही लगा। मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप लोग वरुण धवन के बहुत बड़े फ़ैन हो, या अगर इस मूवी में दूसरे एक्टर्स जैसे कि राजपाल यादव, जॉनी लीवर, जावेद जाफरी, परेश रावल, अगर आप इनके फ़ैन हो तो आप इनके लिए एक बार इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, सिर्फ सारा अली खान को छोड़ के, क्योंकि उसको इस मूवी में किसिंग सीन के लिए लिया गया है, गाने के लिए लिया गया, और जम के ओवर एक्टिंग करने के लिए लिया गया, जो कि उसने बहुत ही अच्छी तरह से किया। और मैं आपको इतना ही बोल दूं कि इस पर्टिकुलर रोल में सारा अली खान सबसे ज़्यादा वर्स्ट लग रही है इस पूरी मूवी में, और मेरे ख्याल से सारा अली खान को नेक्स्ट टाइम अगर कोई मूवी में लेता है तो उसको सबसे पहले एक्टिंग सिखाओ, उसके बाद उसको इस मूवी में लो, क्योंकि एक आपके माइंड में एक इमेज बैठेगी कि आपने करिश्मा कपूर को उस पर्टिकुलर रोल में देखा था, और जिस तरह से उन्होंने उस रोल को निभाया था, और जब आप सारा अली खान को इस पर्टिकुलर रोल में देखते हो तो मतलब आपको मतलब वो फीलिंग जो आती है ना वो आप बता ही नहीं पाओगे। सच में मजाक नहीं कर रहा आज मैं, क्योंकि मैं किसी भी मूवी को बुरा बोलना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं किसी को रोस्ट करना चाहता हूँ, मुझे रोस्ट करना आता भी नहीं है। जो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन है, जो चीज़ें मैं फील कर रहा था वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये मूवी में आपको हंसी नहीं आती है, आपको हंसी आती है क्योंकि एक्टर्स ने अपनी तरह से बहुत एफर्ट्स लगाए, लेकिन आप हर एक सीन देखते हो तो आपको वही गोविंदा की मूवी याद आ जाती है। तो इस वजह से मतलब आप का दिल नहीं होता कि यार इन्जॉय करें इस पूरी मूवी को। लेकिन यस, मेकर्स ने कोशिश की है कि लोगों को फिर से CP बनाने का, लेकिन वही लोग CP बनेंगे जो वरुण धवन के बहुत बड़े फ़ैन हैं। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 से 4 किसिंग सीन देखने को मिल जाएंगे इस पूरी मूवी में, तो अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप फैमिली के साथ देखना चाहते हो या नहीं। और अगर रेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर इस मूवी को कुछ भी रेटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि 99% इस पूरी मूवी को कॉपी किया, तो यार रेटिंग का तो सवाल ही नहीं होता। मैं तो आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको ये मूवी देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारी मूवीज़ आई और चली गई, जो मेकर्स है, जो एक्टर्स है,
वो लोग इसी तरह की मूवीज़ और बनाते रहेंगे और रिमेक्स बनाते रहेंगे, और ये कुछ ही दिन की जो एक लहर चल रही है वो कुछ ही दिन तक रहेगी। उसके बाद आप लोग फिर से जाओगे, क्या पता कल को हमें साजन चले ससुराल का रीमेक देखने को मिले, ऐसा पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब जुड़वा 2 को 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर सकती है तो फिर कूली नंबर 1 क्यों नहीं कर सकती है। तो ये सब तो आपके ऊपर है। तो बस यार इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना, बाय।